हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन एंड समारी। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये कान जो इस कैप पे मैंने बनाए हैं। आप इसे कैटी ईयर कह लें, बियर ईयर कह लें, आप किसी भी नाम से सर्च करेंगे तो इस तरह के कान निकल आते हैं, ठीक है। तो हम बच्चों के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन की कैप्स बनाते हैं और ये डेकोरेशन के लिए ऑप्शन होते हैं कुछ के, भाई कान बना लिए, पम पम लगा लिया, बो लगा लिया। तो आज मैंने ये कैप बनाई है और उस पे आज मैं सिर्फ आपको ये कान बनाना सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग ये कैप बनाना सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं ये कैप भी आपको बनाना सिखा दूंगी कि किस तरह बनाते हैं। वैसे बहुत सिंपल कैप है, ऐसी कैप मैंने बनाना सिखाई हुई है इसी तरीके से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, बट उसके ऊपर कान नहीं लगे हुए, ठीक है। उसके ऊपर मैंने बो लगाया है और अगर आप ये कैप शुरू से इस तरह की सीखना चाह रहे हैं एक कलर में और कानों के साथ, तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा ये कि ये न्यूबॉर्न से लेकर 4-5 महीने तक के बच्चे के लिए है। आप साइज़ को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं कोशिश करूँगी कि जब आपको कैप बनाना सिखाऊँ तो उसमें एक्सप्लेन करूँ कि आप साइज़ छोटी बड़ी कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे पहले एक कान बना लिया है, उसके लिए मैंने यहाँ से 11 फंदे उठाए। किस तरह उठाए? ये इस तरह से सिंपली आपने देखना है, गैप एक जितना रखना है। ये आप बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमने सारे फंदों को बंद किया, यहाँ पे गैप बिल्कुल एक जितना गैप आपने रखना है दोनों तरफ। ये मैंने बना लिया है, यहाँ पे रेडी है। और दूसरा यहाँ से, तो 11 फंदे यहाँ पे मैं ले रही हूँ। आप अगर बड़ी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, बड़े कान भी बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मुख्तलिफ डिज़ाइन है ईयर बनाने की कैप पे और तरीके भी उनके वैसे ही हैं चेंजिंग। तो हमने क्या किया, सिंपली लाइन से, अब देखें ये यहाँ से लाइन जा रही थी तो मैंने यहाँ से 11 फंदे उठाए। सिंपली आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे उठाए हुए हैं, आपने उठाने हैं। अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है तो आप सिंगल पॉइंटेड भी नीडल ले सकते हैं, पर आपने फिर इस तरफ से डालना है, ठीक है। गिन लेंगे आप देखेंगे कि भाई इधर से भी गैप पूरा है, एक जितना गैप है, बराबर गैप है बीच में, दोनों कानों के बीच में, ठीक है। यहां से यूं भी करके देख सकते हैं आप, इस तरह से भी आप करके देख सकते हैं कि गैप एक जितना होना चाहिए वरना बुरा लगता है। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने यहाँ पे ये फंदे ले लिए। आप काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं, 11 स्टिचेस। अब हम क्या करेंगे, धागा लेंगे और इसको बुनना शुरू करेंगे। पहली सिलाई रो 1 फॉर ईयर, सिंपल आपने ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये वाले हमने जो फंदे पिक किए हैं लाइन से, ये सिंपली लाइन है, बीच में आपने बस निडल डाल लेनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से डाल ली, ये देखें इस तरह से पिक करते हैं, उसी तरह से है सिंपल 2, 4, 6, 8, 10, 11, ठीक है। पीछे जाएंगे, इनको थोड़ा ऊपर खींच लेंगे, पुल इट आउट लिटिल बिट, नीडल इंसर्ट करेंगे और धागा ज्वाइन करेंगे इसके साथ, यहाँ पे इस तरह से। धागा थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, थोड़ा सा, ताकि फिर वेव इन के काम आ जाता है आपको। नेट ऑल स्टिचेस रो 1, निट ऑल स्टिचेस, सॉरी निट टू द लास्ट स्टिच, क्योंकि हमने इसकी जो लाइनें हैं, एजेस हैं, वो भी नीट बनानी हैं, तो उसके लिए हम इसका जो आखिरी फंदा है वो उल्टा बुनेंगे। सारे फंदे ये आप सीधे बुन लेंगे, निट ऑल स्टिचेस टू द लास्ट स्टिच, निट टू द लास्ट स्टिच एंड देन पर्ल दैट वन फॉर नीट एजिंग।
ये थोड़ी सी पहली लाइन आपको डिफिकल्ट लगेगी क्योंकि हम ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। कान बनाने के, बना के लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मुख्तलिफ डिज़ाइंस आहिस्ता आहिस्ता बनाना सिखा दूं आप लोगों को। अच्छा, निट द लास्ट स्टिच, आप ये भी कह सकते हैं कि आखिरी फंदे तक आप सारे फंदे सीधे बुन लें, या निट 10 स्टिचेस एंड पर्ल दैट वन। फिर देखें ना, आप साइज़ के हिसाब से उठाएंगे। अगर यहाँ पे 11 उठाएं, हो सकता है आपके पास बड़े हों, तो आप ऐसा कहेंगे कि आप आखिरी फंदे तक सीधे बुन लें और फिर आखिरी फंदे को उल्टा, निट टू द लास्ट स्टिच देन पर्ल दैट वन फॉर नीट एजिंग। ये जो लाइंस हैं, चेन जिसे कहते हैं कि भाई सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए समझने के लिए एज स्टिच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एजिंग है इसकी वो नीट आए। रो टू, दूसरी सिलाई, स्लिप वन, एक फंदे को स्लिप करेंगे निट वाइज, धागा आगे लेकर आएंगे एंड पर्ल ऑल स्टिचेस। अगर निट होती ये रो सीधी होती तो आखिरी फंदा हमने फिर इसका भी उल्टा बुनना था, ठीक है। पहले को स्लिप किया, करते जाएंगे और आखिरी को उल्टा। हमने जब पहली रो बुनी इसकी तो मैंने सारे फंदे शुरू में इसलिए सीधे बुने, पहले को स्लिप इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे फंदे को बुनना था पहले ताकि वो ऊपर आता सही से जो हमने उठाए थे। थर्ड रो, तीसरी सिलाई, स्लिप वन, यहाँ से इसको भी थोड़ा सा खींच लें और इसको भी ताकि लूज ना हो। थर्ड रो स्लिप वन, निट द लास्ट स्टिच, एक फंदे को स्लिप किया और आखिरी फंदे तक सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए दोनों। अब धागा आगे और ये फंदा उल्टा, पर्ल दिस वन। थर्ड रो हो गई, फोर्थ रो, स्लिप वन, धागा आगे, एक फंदे को स्लिप किया और फिर पर्ल ऑल, सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अच्छा, कान पे भी आप कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हैं, आप चाहें तो गार्टर स्टिच में बुने, आप चाहें तो स्टॉकनेट स्टिच में बुने, जैसे कि मैं ये बुन रही हूँ। मैंने स्टॉकनेट स्टिच में इसको इसलिए बुना है क्योंकि फिर आप इसकी दोनों साइड इस्तेमाल कर सकते हैं केप की। मैं अभी आपको समझाऊंगी किस तरह। चौथी सिलाई हो गई, रो फाइव, पाँचवीं सिलाई, स्लिप वन, निट द लास्ट स्टिच एंड पर्ल वन, एक फंदा स्लिप किया फिर आखिरी फंदे तक सारे फंदे सीधे बुने और फिर ये आखिरी फंदा धागा आगे करके उल्टा, ठीक है जी। अब पांच सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फाइव रोज, यू कैन काउंट, आप गिन सकते हैं यहाँ से, एक दो तीन चार पाँच, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे हम शेपिंग देंगे, इसका शेपिंग वाला पार्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्लिप वन, एक धागा स्लिप किया, धागा आगे करेंगे, स्लिप वन स्टिच, धागा आगे करें और फिर इन फंदों को स्लिप 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 किया। स्लिप इसलिए किया क्योंकि उसकी डायरेक्शन ताकि इस तरफ जाए, स्लिप स्लिप करके पर्ल टू टुगेदर, ठीक है। स्लिप वन, स्लिप स्लिप, पर्ल टू टुगेदर। अब पर्ल टू द लास्ट थ्री स्टिचेस, आखिरी तीन फंदों तक उल्टा बुन लेंगे, निट दीज टू स्टिचेस, ओ सॉरी, पर्ल दीज टू स्टिचेस क्योंकि ये पर्ल है, ठीक है। यहां पे हमने स्लिप स्लिप पर्ल इसलिए किया क्योंकि उसकी लीनिंग इस तरफ होगी डायरेक्शन, और निट टू टुगेदर मतलब इस तरह, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आप देख लीजिएगा। आखिरी फंदे को पर्ल दिस वन। रो सेवन, सातवीं सिलाई, स्लिप वन,
knit the last stitch and purl one. कॉम्प्लिकेटेड होती हैं ये डिज़ाइंस, लेकिन अगर एक एक दफ़ा आप कर लें तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है. प्रैक्टिस मस्ट होती है उसके लिए, इवन हम जो बुनाई करते रहते हैं उनके लिए भी. एट्थ रो, स्लिप वन, यार्न फॉरवर्ड, धागा आगे करेंगे, स्लिप स्लिप, निडल इस तरह से डालेंगे and purl them together, purl two together. Now purl two last three stitches. Ab purl two together just. Now purl last one. Purl ka matlab ulta phanda, knit ka matlab seedha phanda. Ab ninth row, slip one, knit to the last stitch. Ek phande ko slip kiya hai stitch ko, और आखिरी फंदे तक सारे फंदे सीधे बुन लिए और आखिरी फंदे को उल्टा. जब आप आखिरी फंदा बुनें तो धागे को थोड़ा सा टाइटली खींचा करें ताकि गैप ना आए. अच्छा, अब देखें कौन सी रो है. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टेंथ रो. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. नाउ रो टेन, स्लिप वन, slip slip, purl them together. मैंने सारी टेक्निक्स डिटेल में सिखाई हुई हैं, टेक्निक की वीडियो प्लीज़ देखा करें. अब knit to the last, purl to the last three stitches, then purl two together and purl one. अब यहाँ पे हमारे पास पांच फंदे बचे हैं. अगर आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं कि एक फंदा इस तरफ से भी स्लिप स्लिप निट किया, इस बीच में एक बुना और उसके बाद फिर आपने निट टू टुगेदर किया या पर्ल टू टुगेदर किया. बट मुझे ये शेप चाहिए तो उसके लिए मैंने पांच रखे हैं. जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि आप किसी भी तरीके से डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. सुई लेंगे, आपके पास अगर सुई नहीं है तो आप क्रोशिया हुक भी ले सकते हैं. क्रोशिया हुक नहीं है तो आप जस्ट सुई ले लें और ये सारे धागे इस सुई में से आपने इस तरह से गुजारने हैं. सॉरी, ये सुई इन सारे स्टिचेस में से, फंदों में से गुजारनी है. इस धागे को आप गुजार लेंगे एक दफ़ा और फिर से दूसरी दफ़ा, एक दो तीन चार पाँच, निडल डाली, इसको थोड़ा सा खींच लें और फिर से इसको खींच लें. सही है ये जी हमारा. यहाँ पे इसको हाथ से थोड़ा सा शेप दे दें. सॉरी, ये देखिए. अब हम क्या करेंगे, इसको वेव इन करना है. वेव इन के लिए आप अंदर से इसको इधर से अंदर ले जाएंगे इस तरह करके. ये जो दो धागे हैं चेन जैसे, उसके बीच में इस तरह से इसको फंसाते. आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं वेव इन करते, बट मैं इस धागे को नीचे ले जाना चाह रही हूँ. आप ज़रूरी नहीं है इस तरफ से लेकर आएं, आप इस तरफ से भी लेके आ सकते हैं और फिर आपने इधर अंदर इसको डाल देना है. बैक साइड पे दोनों धागों को लेकर आएंगे. ये वाला धागा भी इसको थोड़ा सा शेप दे दीजिएगा ताकि अंदर वाला धागा खींचे ना. इसको भी हम अंदर लेकर जाएंगे. ठीक है, मैं वेव इन करके दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको, बट इसको पहले से शेप दे देते हैं इस तरह से. सही है. अच्छा, मैं आप यही कह रही थी कि मैंने स्टॉक इनिट स्टिच इसलिए बुना है कि आप इसकी दोनों साइड्स इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो बच्चे को इस तरह से पहना लें. ठीक है,
इस तरह से बना लें, स्टॉकनेट स्टिच वाली साइड रख लें। और अगर आप इस बॉर्डर को देखना चाहें, ये जो फोल्डिंग वाला बॉर्डर है, इस बॉर्डर को आपने कितना करना है, ये इस तरह से आप हाथ लगाएंगे तो इतना, क्योंकि आप इसको जितना फोल्ड करेंगे ये ऊपर हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये आप बॉर्डर बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ बना रहे हैं, तो बच्चे को आप पहले यूं करके भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो ये है इस तरह से आपने शेप इसको देना है, खोलना नहीं है आपने, ये बॉर्डर है। तो अगर इस बॉर्डर के मैचिंग आपने रखना है तो आप ये वाली साइड भी कर सकते हैं इस्तेमाल, सही है। इसको इधर से खींचेगा क्योंकि हमने नीचे से उठाए थे फंदे, तो हमारा ये इधर कान रेडी हो गए हैं। आप कोई भी टोपी बना के, कोई भी सिंपल पैटर्न लेकर, मेरी वीडियोस में ही मैंने बहुत सारे पैटर्न सिखाए हुए हैं कान बनाने, सॉरी केप्स बनाने के, आप कोई भी उठा लीजिए। और मैं एक लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने इस वाले बॉर्डर के साथ एक केप बनाना सिखाई हुई है, तो आप वो केप बना के एक ही कलर में और फिर ये ऊपर से कान इस पर सी सकते हैं। अब मैं आपको एक दो धागा वेव इन करके दिखाती हूँ ताकि फिर जो बिगिनर्स हैं उनको हेल्प हो जाए। वेव इन की मैंने सेपरेट भी वीडियो समझाई हुई है मेरी वीडियोज़ में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ से हमने धागे उठाए थे। अब आप कोई भी मेथड वैसे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका तरीका होता है, ये इससे आप इनको बंद कर सकते हैं। ये मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है ये वाला मेथड के किस तरह वेव इन करते हैं गार्टर स्टिच पे या स्टॉकनेट स्टिच पे, बैक साइड पे। मेन मसला ये होता है कि आपने धागे को अच्छी तरह से नीटली फंसाना होता है। आप इस तरह बस नॉट नहीं लगा सकते कि धागे को बांध दिया कहीं पे, खुल सकता है, वो बुरा भी लगता है। निटिंग में फिनिशिंग मस्ट होती है। अगर आपको निटिंग बहुत पसंद है तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों पे गौर करेंगे, सीखेंगे। और मेरी वीडियोस में आपको 342 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें टेक्निक्स हैं सीखने के लिए, प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, तो आप कोशिश करके टेक्निक्स को प्लीज़ देखा करें अगर आप बिगिनर हैं तो। और अगर आप बुनाई करते भी रहते हैं बट आपको ज़्यादा टेक्निक्स नहीं पता या इंग्लिश टर्म्स नहीं पता निटिंग की, तो आप वो इसको थोड़ा सा खींच लें शेप देने के लिए और फिर धागा यहाँ पे काट दें, सही है। अब ये काफ़ी सारा अटक गया है, ये आसानी से नहीं खुलेगा जब तक आप इसे नहीं खोलेंगी। दूसरा धागा भी इसी तरह कर लें। अच्छा, वेव इन के ये भी फायदे होते हैं कि अगर कोई गलती से होल बन जाता है, आप जब फॉर एग्जांपल आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये इतना आसान नहीं होता कि नीटली कोई चीज़ प्रोजेक्ट बनाए, तो कोई शेप होता है तो आप उसको भी, गैप होता है तो आप उसे भी बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं इसको हाथ से ऊपर कर रही हूँ, नीचे से फिंगर से, ठीक है, फिंगर से मैं उसको ऊपर कर रही हूँ शेप बनाने के लिए, आई मीन होल बनाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप इधर से गए और आपने इसको इधर से बंद कर दिया खींच के, सही है, सही है। इस तरह गैप्स बंद हो जाते हैं। अब मैं इसको बाद में वेव इन करूंगी, आप ये वेव इन कर लीजिएगा। ये हमारी केप यहाँ पे तैयार है और कानों के साथ आप यहाँ पे, मैंने सुई लगाई हुई है तभी ये नीचे हो गया है, सही है। तो ये आप बनाइएगा, कैप का पैटर्न लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तकरीबन ऐसा ही है इस वाले बॉर्डर के साथ बट दो कलर्स में है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें, ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत पतली ऊन है, बहुत पतली ऊन, तो आप उसको डबल करके ये कान बना सकते हैं ताकि खड़े रहें, क्योंकि देखिए मेरी 4 प्लाई है यहाँ पे, थोड़ी सी जो है थोड़ी सी थिक है, तो आप इसको जो है, अगर बहुत पतला है धागा आपके पास, बहुत पतला, तो आप उसको
डबल करके भी बना सकते हैं कि कान थोड़े से थिक लगें। और बहुत सारे तरीके हैं, बनी ईयर, केट ईयर और बहुत सारे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे बनाना सिखाऊँ। और अब आप इस पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। कैट बना दी या हार्ट बना दिया या बो लगा दिया, वो आप पे डिपेंड करता है। तो लिंक आप कैप का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कैप बनाने के बाद आप कान इस तरह से बना सकते हैं। कैप का ख्याल रखिएगा कि एक जितना हो, फिर ये बनाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा खींचेगा क्योंकि धागे ऊपर खींचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।